उषा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है तुक्का लगाओ। अच्छा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ब्लाइंड फोल्ड दोबारा पहने। ओके, चले भाई। और कुछ चीजें हैं जो मैं इस संदूक में से निकालूंगा और आपको उनसे रिलेटेड कुछ हिंट्स दूंगा और आपको गेस करना होगा कि ये क्या है। हाय हाय, मेरे बाल तो नहीं खराब हो गए? बिल्कुल नहीं हिले, अपनी जगह पे वैसे के वैसे रहूं। अच्छा, अब क्या है भाई? अच्छा, ये जो पहली चीज है इसको हम कभी कभी कुछ लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़े से मिसफिट होते हैं सोसाइटी में, हम अक्सर उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लफ्ज हम बोरिंग नहीं, उसको आप ऑपोजिट पे ले जाएं, छिछोरे। थोड़ा सा और पंजाब में ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शोदे? नहीं नहीं, ये उड़ते हैं शख्स। पतंगे? नहीं, हवा में उड़ने वाले एक एक चीज है। अच्छा, जिससे हम अक्सर लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, छोड़ू? नहीं, हाँ छोड़ू होते हैं जो लोग ऐसे। अच्छा, टेक ऑफ करती है ये चीज। अच्छा, जहाज है? अच्छा, वो तो वो वाले जहाज है ना। हाय हाय अल्लाह। अच्छा अच्छा, जिन्होंने पान खाया होता है। चलो, ये वो वाले लोग। हाँ, वो वाले जहाज है। जहाज मतलब वो स्लीपी जहाज। अच्छा, ये चीज है, ये इस्तेमाल होती है जब इंसान को कुछ काटना हो। इंसान ने कुछ काटना हो या उसको कुछ काट जाए? उस इंसान ने जब काटना हो। कैंची? कैंची, आपने बिल्कुल सही गैस किया। अच्छा, अब देखे ना, इस वक्त अगर ज़िया मोहिउद्दीन होते तो कहते कैंची। कैंची, और हमने कहा कैंची। अच्छा, तो ये बुशरा जी, एक चीज है जो कि गोल है। हाँ, और इसके बीच में एक सुराख है, बीच में बीच। अच्छा, ये खाने की चीज है? नहीं, खाने की चीज नहीं है। इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो एक एक चीज है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। खाने की नहीं है और इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है जो कि गोल है। अच्छा, राउंड है। और किस साइज? और उसके ऊपर टॉप पे एक बहुत बड़ा सुराख है। अच्छा, तो ये तो फिर बोल ही हुआ ना। बोल के अलावा क्या चीज ऐसी हो सकती है? थोड़ी सी लंबी भी है ये। वाज? वाज के अलावा इसमें हम वो चीजें डालते हैं जो हमें पसंद नहीं होती। कचरा? अच्छा, डस्टबिन है कोई? डस्टबिन है। डस्टबिन। ओए, अच्छा ये जो चीज है ना, इससे अक्सर मार भी पड़ती है। शोहरों को बीवियां अक्सर इस्तेमाल करती हैं उनकी फेंटी लगाने के लिए। शोहर बेचारियां बीवियों को कौन मारने देता है? मैं दुखाब में 2-3 दफा मैंने मारा था वैसे। अच्छा। शायद आपने इसका इस्तेमाल किया हो, इस औजार का। नहीं, हाथ भी नहीं सही से चलते ना, बीवियों को मारना कहाँ आता है। अच्छा अच्छा, बीवियों को मारने की अगर मौका मिले तो इससे मार सकती हैं। बीवियां अगर चाहें तो इससे इसको इस्तेमाल करती हैं। बेल्ट? बेल्ट नहीं। आई लाइक वेयर दिस इज गोइंग बट नो। छड़ी? नहीं ना। हाँ? एक एक यूटेंसिल है जो कि किचन में पाई जाती है। बेलन? बेलन। अच्छा, एक्चुअली तो ये डोई या बेलन ही वही होता है ना, वही घुमा के वो बनाया जाता है। ओए हो। अच्छा, ये चीज है, ये अक्सर अक्सर लोगों की जबान भी इतनी तेज होती है। छुरी की तरह? बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को वैसे अपनी जबान पर, अपने अपने ट्रैफिक पे कंट्रोल करना चाहिए। गाड़ियां भी आजकल और मोटरसाइकिलें ऐसे चली जैसे जबान चलती है। अच्छा, ये जो है ना, ये भी राउंड है चीज, और इसके ऊपर भी एक सुराख है, लेकिन इसका जो बेली है ना वो थोड़ा फूला हुआ है। ये कोई डेकोरेशन की चीज है? कह सकते हैं, लेकिन आप इस गैस लेना कि क्या हो सकता है। वाज? नहीं, वाज ही क्यों बुशरा जी, हर गोल चीज वाज। ऐसे लग रहा है ना, यूं करके कुछ। हाँ, बट इसका पेट थोड़ा सा फूला हुआ है। अच्छा, तो ये मटका? पेट फूला हुआ है और मटका? ये छोटा सा मटका। हाँ, छोटा सा मटका। अरे आपने कितना अच्छा गैस किया। हाँ, मैंने ऐसे करके। ठीक है, लास्ट वन आखिरी। ओके, ये चीज है, ये बजाने के भी काम आती है। अच्छा, और इसके दो हाथ हैं। ताली? नहीं। अच्छा, बजाने के काम? बजाने के काम, बजाने के काम भी आती है। दो हाथ हैं, और अगर आप उन दोनों हाथों का इस्तेमाल करें तो आप किसी को पकड़ भी सकते हैं उससे। बजाने के काम आती है, दो हाथ हैं? नहीं, बजाने के काम नहीं आती, लेकिन आप इसको बजा भी सकते हैं। अच्छा, तो ये तो मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चिमटा?
चिमटा। वेल डन मिश्रा जी, क्या जबरदस्त खेला है आपने, ऑलमोस्ट सारे गेस कर लिया आपने। वेल डन, तालियां मिश्रा जी के लिए। Thank you so much, Bushra ji. It was such an honor and privilege to host you on our show. आज आप हमारे शो पे आई हैं, हमारी शो की इज्जत बढ़ गई है। चार क्या, 400 चांद लग गए हैं। Thank you so much. मैं आपसे request करूंगा कि जाते जाते if you could join me here. और Bushra ji, कोई message अपने fans को अगर आप देना चाहें। Message तो क्या दें, हम लोगों के तो आजकल messages भी बड़े sad हो गए हैं। As a society, as a nation, हम लोग बहुत डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं, जा नहीं रहे, चले गए हैं। और मैं अब झूठी बातें भी नहीं कर सकती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुद से नहीं होगा, आपको और हमें करना होगा, अपने अपने तौर पे अपने अंदर चेंजेस लानी होगी। ठीक है, हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं सबके लिए, महंगाइयाँ ये वो सब चीज़ें पूरी ओवर सारी दुनिया में ही है वैसे तो, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो कोशिश करें जो कुछ हम अपने लिए अपने तौर पर कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, अपने घर के आगे कचरा ना फेंकें, अपनी बाइक सही चला लें, अपनी गाड़ी ठीक चला लें तो शायद, और पढ़ाई भी सही कर लें। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ ज़मानों से लोगों का ट्रेंड ये हो गया है कि जल्दी से तुक्का लगाए और पास होके निकल गए, थोड़ी चीटिंग कर ली या बस जो भी है, तो ईजी जो है ना वे वो किसी चीज़ का भी आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। मुझे ये डर लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा उस तरफ निकल जाती हूँ जब ऐसी थिंकिंग हमारी सभी की है कि अगले 10 सालों में हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो आपके बच्चे को या आपके फैमिली के बच्चों को या उनको जब बड़े होंगे तो वो किससे इलाज करवाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये अगर आप इन चीज़ों में परेशान होकर पढ़ाई को सरेंडर करेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो भी तो देखें ना रेडी वाले की बच्ची ने टॉप किया है जी, इन्हीं हालात में किया ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही कई बच्चे आपके सामने। सो कोशिश करें, ये सब चीज़ें हैं, अपने आप को मजबूत करें ताकि इनका मुकाबला कर सकें, अपने आप को मजबूत करें ताकि आप इन सब चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। एंड व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम समबडी लाइक बुशरा अंसारी, आई एम श्योर ये आप पे ये बात और ज्यादा असर करेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच बुशरा जी फॉर कमिंग टू आवर शो, इट वाज एन ऑनर। अल्लाह आपको खुश रखे। एंड मैं पता नहीं ये बात क्या ही जचेगी मुझे ये बोलते हुए, बट आई वॉन्ट टू थैंक यू on behalf of all of our team here and also all the audience members and all the fans. Aww. For the tremendous service and the tremendous great work that you've done for all of us. Thank you so much. Thank you so much. Khwateen Hazrat, ab hum ijazat chahenge. Aaj main itna mujhe shauk hai bolne ka aur meri bolti band nahi hoti. Lekin aaj for some reason main bhi apne alfaz ko sahi taur pe present nahi kar saka, to uske liye maafi. But jaisa ki aap samajh sakte hain, jab aisi shakhsiyat aapke saath kare ho to aap kya hi baat kare. अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे आपके किसी और फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ। सी यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू।